कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। इस कहावत को सच किया है 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र आदेश सिंह ने। आदेश सिंह ने एक सधे हुए लेखक की तरह विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर किताब लिखी है, जिसे दिल्ली के मशहूर ब्लू रोज पब्लिशर ने पब्लिश किया है। किताब में भविष्य की टेक्नोलॉजी, उसके प्रकार और आने वाले समय में स्मार्टफोन और कंप्यूटर के प्रभावों को दर्शाया गया है। सिंगरौली में क्राइस्ट ज्योति स्कूल के 9वीं के छात्र आदेश सिंह ने महज 15 साल की उम्र में विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर किताब लिखी, जिसे दिल्ली के मशहूर ब्लू रोज पब्लिशर ने पब्लिश किया। आदेश की इस सफलता से उसके माता पिता सहित स्कूल के शिक्षक भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं आदेश सिंह ने बताया कि मेरी इस उपलब्धि में मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मैकेनाइजेशन नाम की इस किताब में बड़ी बारीकी से साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। किताब में भविष्य की टेक्नोलॉजी, उसके प्रकार और आने वाले समय में स्मार्टफोन और कंप्यूटर के पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है। साथ ही भविष्य में टेक्नोलॉजी का शिक्षा के साथ समाज पर क्या असर होगा, यह भी बखूबी बताया गया है। आदेश की यह पुस्तक पब्लिशर के अलावा ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लू पर भी उपलब्ध है। आदेश के पिता नागेंद्र प्रताप सिंह सिंगरौली जिले के मोरवा में थाना प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि 13 साल की उम्र में आदेश ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया था, जो YouTube पर चैनल बनाकर कई तकनीकों की जानकारी देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएंगे तो ह्यूमन वर्क बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे हमारा भारत देश है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में रोबोट डॉक्टर, रोबोट टीचर एंड ऐसी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, तो ह्यूमन वर्क बहुत ही कम हो जाएगा। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट टेक्नोलॉजी का। इसका मोटिवेशन मेरे को इलॉन मस्क से मिला। इलॉन मस्क एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी इंसान है, स्पेस एक्स और टेस्ला उन्हीं की कंपनी है। मैं उनका बहुत ही बड़ा, वो मेरे रोल मॉडल है, तो मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ और स्टीफन हॉकिंग, तो इनकी बुक्स पढ़ के मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली इस बुक को लिखने। इस बुक को लिखने मुझे ऑलमोस्ट 3.5 महीने लगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।